देख रहे हैं द एंटरप्रेन्योर द एक्स्ट्रा बुलेटिन की तरफ से। इस बुलेटिन को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए जिससे कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। भारत में जल्दी ही कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आपातकालीन उपयोग के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड को भी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनियों में से एक है। DCGI की मंजूरी के बाद कंपनी के CEO अदार पूनावाला चर्चा में हैं। अदार पूनावाला दुनिया के वैक्सीन किंग कहे जाने वाले साइरस पूनावाला के बेटे हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई विदेश से पूरी की है। न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक अदार पूनावाला की पढ़ाई कैंटरबरी के सेंट एडमंड स्कूल से हुई है। इसके बाद उन्होंने वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी से बिजनेस में ग्रेजुएशन किया है। विदेश में पढ़ाई पूरी करने के बाद अदार पूनावाला 2001 में भारत लौटा है और सीरम इंस्टीट्यूट से जुड़े। 2011 में वे कंपनी के CEO बन गए। आपको बता दें कि अदार पूनावाला अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं। एक तरफ जहां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कैंपस 100 एकड़ में फैला हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर अदार पूनावाला के पास अपना खुद का 200 एकड़ का अलग से फार्म हाउस भी है। द टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अदार पूनावाला ने अपना ऑफिस एक जहाज में बना रखा है जिसमें हर तरह की आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। वे मुंबई से पुणे स्थित कंपनी के दफ्तर जाने के लिए अपने खुद का हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हैं। अदार के पास अपना खुद का प्राइवेट जेट भी है। वे महंगी कारों के बेहद शौकीन हैं। उनके पास 35 क्लासिक कारों का एक कलेक्शन भी है। इस कलेक्शन में विंटेज सिल्वर क्लाउड और फैंटम रोल्स रॉयस भी शामिल हैं। दुनिया के वैक्सीन प्रिंस के नाम से जाने जाने वाले अदार पूनावाला ने नताशा पूनावाला से शादी की है। द टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों की मुलाकात साल 2001 में गोवा में एक न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई थी। नताशा पूनावाला के कई बॉलीवुड सितारों से भी बेहद करीबी संबंध हैं। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस उनके बेस्ट फ्रेंड माने जाते हैं। नताशा पूनावाला फिलहाल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इसके अलावा वे विल्लू पूनावाला फाउंडेशन भी चलाती हैं। आपको यह बुलेटिन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसे लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।